तो सातवां एपिसोड, तो वो सब एक बिल्डिंग में जाते हैं। यह डेंजी से कहता है कि वो किस मैं लूंगा, तो डेंजी कहता है मुझसे हटो। अकी हायाकावा कहता है कि क्या तुम्हारे दो हंटर्स में शक्ति है, एक में ज़्यादा ताकत है, वह आ सकता है, दूसरे में डर है, लेकिन बात है और हंटर्स जो तुम लाए हो उनका क्या। अकी कहता है कि पावर में ताकत है लेकिन हो सकता है कि वो हमें धोखा दे, और डेंजी अभी नया है। वो लड़की कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये डेविल्स को हरा पाएंगे, तो हायाकावा कहता है कि मुझे भरोसा है। ये कहती है कि तुम्हें सवाल समझ नहीं आया, तुम्हें बताया जाता है कि हायाकावा को लेकर यही आई थी। और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक राक्षस आता है, वो उन पर अटैक करता है, तभी वो उसे पकड़ लेती है और पावर उसे ताकत से खत्म कर देती है। पावर कहती है कि वो हवा में फंस गया था मेरे डर से। तो लड़की कहती है कि वो मेरा घोष डेविल है, तो पावर कहती है घोष डेविल, तो कहती है कि मैंने एक डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने एक आँख के बदले, और वो एक घोष डेविल है इसलिए वो दिखता नहीं है। वो कहती है कि क्या इसमें वो पीस है, तो अकी हायाकावा कहता है कि नहीं, ये हमारा डेविल भी नहीं है। तो कहती है कि चलो ऊपर फ्लोर चलते हैं। वो कहती है कि पावर अगर हम एक दूसरे को जान लेंगे तो अच्छा रहेगा, और कहती है कि मेरे पास एक डेविल भी है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तो पावर कहती है कि अच्छा अगर मैं इसे ख़त्म कर दूँ तो कैसा रहेगा। तभी वो पावर का गला दबाती है और कहती है कि अपने वेपन्स दूर रखो, और पावर उसे नहीं छुपाती है। वो लड़की कहती है कि मैं वापस ऐसा नहीं करूंगी, तो इससे अच्छा रहेगा कि तुम हमारे साथ काम करो। पावर कहती है कि मैं इसे खा जाऊंगी किसी दिन, तो डेंजी कहता है कि ये मुझे किस करने वाली है इसलिए इसे मत कुछ करो। तभी वो देखते हैं कि हम वापस 8th फ्लोर में हैं, तो डेंजी कहता है कि शायद तुमने ठीक से काउंट नहीं किया होगा या फिर तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। तो ये कहता है कि मैं वापस चेक करने जा रहा हूँ। वो नीचे सीढ़ी पर जाएं या फिर ऊपर सीढ़ी पर आए, वो बार बार 8th फ्लोर पर ही आ जाते हैं। डेंजी कहता है कि हो सकता है कि पावर ने उस डेविल को मारा हो और अपना वो पावर यूज़ करके हटाना भूल गया हो। तो हायाकावा कहता है कि नहीं, वो ख़त्म होने के बाद उनका पावर भी ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो लड़की कहती है कि क्या वो पीस में कुछ दिखा, तो हायाकावा कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल रुक सा गया है। तो ये लड़की कहती है कि क्या हम यहाँ फंसे रहेंगे, और वो उदास हो जाती है। तो ये लड़का कहता है कि हिम्मत रखो, हमें कुछ नहीं होगा, तुम एक डेविल हंटर हो इसलिए तुम यहाँ पर हो। तो लड़की कहती है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे भाई को कॉलेज में रखना चाहते थे इसलिए वो मुझसे काम करवाते हैं। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं सेक्स वर्कर रहूं या एक डेविल हंटर होती, और मुझे भी पढ़ना था। और वो कहते हैं कि अगर कोई दूसरे डेविल हंटर भी हमें बचाने आए तो वो फंस सकते हैं। तभी वो हायाकावा से पूछती है कि हायाकावा क्या हुआ, तो हायाकावा कहता है कि ये घड़ी 818 में रुका हुआ है, यानी कि हम ये कोई बचाने नहीं आएगा क्योंकि ये घड़ी रुका हुआ है। डेंजी कहता है तो हम जितना चाहे उतना सो सकते हैं, और डेंजी सोने को जाता है। डेंजी जागता है और कहता है कि क्या अब हम 8th फ्लोर से बाहर आ सकते हैं। वो कहती है कि नहीं, पहले ये डेविल्स को खोज रहे थे पर अब ये कुछ और कर रहे हैं, और पावर एक नोबेल प्राइज जीतने के लिए इन्वेंशन के लिए सोच रही है। डेंजी कहता है कि अरे ये तो वही सीक्रेट है जो वो पीता है। तो ये लड़की कहती है कि हायाकावा को सिगरेट पीना मैंने ही सिखाया है। तो हायाकावा आता है और कहता है कि क्या एक सिगरेट बची है। वो कहती है कि ये लास्ट है, और हायाकावा बोलता है कि जिस टेबल को पावर ने मारा था वो बहुत बड़ा हो गया है। वो वहाँ आता है और कहता है कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुम डेंजी को मारोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो वो कहती है कि हम डेंजी को नहीं मारेंगे। तो थैंक यू, इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, तो अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा।